नाज़रीन दूसरी मंडी में पहुंचे हैं और यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही है। लोग देखें भाव ताव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ईद सर पे ले लिया जानवर आपने? जी ले लिया। कितने का मिला सर? ये 55 का था जी। 55 का मांगे कितने थे सर? मांगने को तो इसी तरह ही है कि 80 मांग रहा है, कोई 90 मांग रहा है। इसके 80-90 मांगे मतलब इसका। चले माशाल्लाह मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक सब ठीक मिल गया आपको जानवर। एवं जी ईद सर पे लोग जो है वो इस वक्त जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। आप बकरे कहाँ से लेके आए? बहावल नगर से। अच्छा तो कितने का बेच रहे हैं आप? बस सही मोल नहीं लग रहा जी। नहीं मोल लग रहा है। ये दोनों इकट्ठे कितने के दे रहे हैं? दो कम सत्तर। आप भी खरीदारी के लिए हैं जी? ईद सर पे आ गई, आपने बकरा नहीं खरीदा? यार लेट ही नहीं बन रहा, ये पैसे इतने मांग रहे हैं कि सोच गई सुन गई। ये तो कह रहे 35-40। ये 35-40 वाले हैं ना, ये है 16-17 वाले। अच्छा तजुर्बा है आपको? तजुर्बा नहीं है, चीज देखे आइडिया हो ही जाता है। यानी इतना घूमे मंडी में कि पता चल गया कि ये रेट जो है वो इस बकरे का। यार आप खुद देखो ये कितना का बकरा होना जी। आप अगर रेट करवाएं आप? सर मैंने तो कभी बकरा खरीदा नहीं है। है ही नहीं ना, ये बड़ा भी है, 18,000 रुपए का लगा ले। अब ये 35-35,000 रुपया मांग रहे इस बकरे का। आपने इनसे पूछा? 75,000 रुपए जी। आज से 3 साल पहले ना ये पहली बात करते हैं, हाज वाले दिन लाहौर वाले खरीद करते हैं, फिर हाज वाले दिन हमें जो व्यापारी है ना उनकी मजबूरी होती है, उनको घर जाना पड़ता है। ये वही बात 3 साल से चल रही है। आज ये साल जो है बहुत आखिरी दिन आगे खरीदते हैं, आखिरी दिन खरीदते हैं हज वाले दिन। क्योंकि बीपी जो होता है ना वो आखिरी दिन ही लो होता है। समझो अभी समझ रहे हो, यानी ये कहते हैं कि रेट्स कम मिलेंगे आखिरी दिन। ये कुर्बानी नहीं करते, ये छुरे चलाने की कोशिश करते। आप जो छुरा चलाते हैं वो नहीं, क्या चला रहे हैं? ये बकरो देखो 50 किलो का बकरा है, वजन करो अगर इससे कम हो जाए तो हम बकरा इसको, इसकी खाल में चर्बी में 50 किलो वजन है, ऐसे 15 किलो कचरा निकलेगा, कितनी किलो वजन बचेगा बताओ? अच्छा आधा कचरा निकल जाता है। नहीं आखिर उन्होंने मेहनत की होती है, वो कहते हैं कि हम भी तो मेहनत करते हैं, हम पालते हैं। लेकिन जायज पैसे मांगे ना तो हम भी आगे जायज रेट लगाए। कितना लगाए जी आपके बकरे के? नहीं अभी 18,000 बता रहा था, जो गोश्त 35 किलो उसने खुद कहा है वो 18,000 का हो सकता है। पूछो आगे आ जाए। आप भी बकरे की खरीदारी के लिए? बकरा या बैल? बकरे की। अच्छा बकरे की खरीदारी, तो क्या रेट आज कम हुए? रेट कम नहीं महंगे, वरना ये व्यापारियों को दे के इधर ही जाएंगे फिर। अच्छा आमतौर पे तासुर ये पाया जाता है कि ये जो व्यापारी हजरात हैं ये पूरा ट्रक लेके आते हैं और इनको ले जाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो हमारी नेचर भी बन चुकी है एज ए सिटीजन की हम आखिरी दिन जाके जो है वो बकरा खरीदें ताकि ये लोग रेट नीचे करें, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है बकरा बेचना। ऐसे ही है सर? नहीं इनकी मजबूरी नहीं होती, ये कस्टमर की मजबूरी होती है, क्योंकि इतने महंगे रेट हैं तो वे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं बंदा। आप भी बेटा बकरे लेने आए हो? जी हम भी बकरे लेने आए हैं, पर यहाँ पे वो पापा के साथ आए हैं, पर यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा, यहाँ रेट ही बहुत है। आप समझ नहीं, बड़े उदास हो रहे हैं कि बकरा नहीं मिल रहा जी, समझ नहीं आती। इतने बकरे हैं, इतने बकरे हर जगह पे, बकरी बकरे तो बहुत है पर रेट भी बहुत है बकरों के साथ। क्या रेट ले रहे हैं? मैं बच्चे से बात करके आपसे। ये कोई 65 का लेते हैं, कोई 40 का, जो 18,000-20,000 वाला बकरा है वो 40-50 का ले रहे होते हैं, इतने ही रेट है। अच्छा ये बातें सिखाई गई आपको हैं? नहीं 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 ये बड़ी देर से सुबह के आए हैं, पता चल जाता है फिर फिर के बस जी। आप पापा हैं इसके? मार्केट पीड़ी है बच्चे ने, वो अपनी जेब से रात से कह रहे बच्चा सच्ची कि बहुत महंगे हैं, जो 18-20 का वो 40-50 का मिलता है। अच्छा ये बात ये है जी, ये जो है ना ये बहुत कम रेट लगाते हैं, जो 50,000 का बकरा है वो 25-30 लगाते हैं उसका। अच्छा खरीदार कम रेट लगा रहे हैं? खरीदार बहुत कम रेट लगा रहे हैं। हजार है, व्यापारियों को भी कुछ हक तो बनता है। बिल्कुल व्यापारियों का हक बनता है, लेकिन ये कि जो चीज का मूल मांगे ना वो 25-30 का बकरा कह देंगे 60 दे दे 70 दे। कितने पैसे लेके आए हो आप? कितने में लेना आपने बकरा? हम तो देखते हैं आप जितने में मिल जाते हैं इच्छा सा। पैसे नहीं बताने कितने लेके आए? मैं लेके नहीं जाऊंगा वैसे, आपको पता होगा कितने। अच्छा यानी अब आप 30-40 का लेंगे जी? इतने हर इंसान ने तौफीक और मुताबिक के मुताबिक करनी। हाँ जी 100 रुपया खर्चा खाया ना बकरा, 36,000 साल का बंदा है, ये भी बकरी का बच्चा है, इनका मुल को नहीं पै रहा। 100 रुपया भी 36,000 साल का बंदा है, ये लगा दे 20,000 बकरा 40,000 तो आप अपनी जगह पे सच्चे हैं, हम अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर आप बाकी इसको एक घर में पाले तो साफ करे तो बहुत महंगा पड़ता है। ये बकरे आप देखिएगा वाइट हैं पूरे और बड़े अच्छी किस्म का बकरा जो है वो इसको समझाए। आपके हैं? नहीं मेरे नहीं। किसके हैं ये? अच्छा यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग यहाँ पे खिला देखें क्या रहे बकरे को। अस्सलाम वालेकुम जी, किधर से लेके आए सर बकरा?
जिला मुजफ्फरगढ़ से। तो क्या रेट क्या ले रहे हैं इसका? इसका 80,000 रुपया। 80,000 रुपए एक बैल आ जाता है 80,000 का। बकरा तो ये कौन सी नस्ल का बकरा है? ये राजनपुरी नस्ल। अच्छा ये राजनपुरी। राजनपुरी क्या खिला क्या रहे हैं इसे? दलिया खल। दलिया और खल और क्या खिलाते रहे इसे? दूध खिलाते हैं। दूध वगैरह भी पिलाते रहे। तो इसको आपने शुरू से पाला है? तो कितने तक का देंगे आप? 80 का आपको मांग रहे हैं? 80 का जो फाइनल होगा वो बताएं। फाइनल कितना मतलब 60-70-50? 70-75 का जो है वो ये कह रहे हैं कि बकरा दे देंगे। और इसी किस्म के बकरे जो है वो ये लोग यहाँ पर लेके आए हैं। अगर इस साइड पे देखा जाए तो खरीदार भी हैं और इसके साथ साथ आप खरीदने आए बकरा। ये बकरे आप देख रहे हैं नाजरीन, ये सारे व्हाइट कलर के, और यहाँ पर कुछ व्यापारी भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए थे? बाबानगर से। अच्छा कितने जानवर लेके आए थे? 40। तो कितने रह गए? 20। मार्केट ठीक रही है? मुनाफा मिला के नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों? यही बड़ी भाई जान खर्चा नहीं पूरा। यही खरीदार कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। आप कहाँ से आए? बाबानगर से। अच्छा 40 लेके आए थे और बिक गए जानवर? कितने बिके? ये खड़े हैं जानवर। खड़े हैं? हाँ ये खड़े हैं जानवर। अच्छा अभी जानवर जो है वो खड़े हैं। बात करने के लिए तैयार कोई इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने कारोबार में मशगूल हैं। आखिरी दिन है आज और इस आखिरी दिन में जितना वो कमा सकते हैं वो कमाने की कोशिश करेंगे और ले जाने वाले जितना छुड़वा सकते हैं उतना वो छुड़वाने की जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने अलग अलग बाड़े में जो है वो रखा गया बकरों को। ये किसी और की मलकियत है, ये किसी और की मलकियत है। इस साइड पर कोई और है तो उस साइड पर कोई और। ये अगर इस साइड से होके हम यहाँ पे जाएं तो इस जगह पर भी बकरे जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बकरा खरीद के लेके जा रहे हैं बेचने जा रहे हैं? बकरा खरीदा है कि बेचने जा रहे हो? कितने का? बात कर लेना खड़े होके, कोई बात नहीं। बकरे नहीं बात करते। कितने के बेचे? 72। दोनों 72,000 के। 36-36,000 के दो बकरे जो है वो इन्होंने लिए और 72,000 रुपये। आप सर कहाँ से तशरीफ लाए? बकरे लेके आए? कितने लेके आए थे? रहीम यार खान से। हाँ जी। इतनी दूर से आप? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या रेट ज्यादा मिलता है? रेट दाम दरमियाना मिलता है। अच्छा रहीम यार खान में अगर बिकता तो इतने का बिक जाता? हाँ जी। तो फिर यहाँ पे लाने की क्या जरूरत है? और साल बेचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर लाएं जी रहीम यार खान से ये सारे बकरे। खरीदारों की आमद जो है वो जारी। अस्सलाम वालेकुम। सर आप लोग तो माशाल्लाह बकरा वगैरह खरीदते हैं। जी जी। ईद सर पे रेट डाउन हो जाते हैं? रेट अभी तो डाउन नहीं है लेकिन अभी काफी बड़े हुए हैं रेट। अच्छा अंदाजा आपको यही है कि रेट जो है वो मुनासिब नहीं मिलेगा? देखें मंडी वगैरह फ्री है पहले आपने? मैं हर सुबह से भेज रहे हैं करीबन 11 बजे से। 11 बजे से अब तक आप मंडी में? अभी एक लिया जानवर। अच्छा बैल? हाँ जी बैल। कितने का मिला? करीबन 2.5 लाख। 2.5 लाख का? 2.5 लाख का बैल? क्या ऐसा इसमें तो बहुत महंगी मंडी। हम 12 बजे के आए हुए हैं। 12 बजे के आए और 2.5 लाख का एक बैल मिला? 2.5 लाख हमने 4 बकरों का लगाया नहीं दिया। 4 लाख 2.5 लाख रुपया 4 बकरों का लगाया नहीं दिया। कहता 3 लाख से कम। आप भी सर साथ ही? हाँ जी मैं सुबह से बकरे ढूंढ रहे हैं। सुबह से देख रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और अंदाजा था आपको कि मतलब इतना रेट होगा? नहीं इस बार तो काफ़ी हाई हो गया। इस बार रेट पिछली बार की नस्बत इस बार जो है वो रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं।